जी हाँ गाइस, अगर आप लोग भी कनाडा जाना चाहते हैं एंड आप किसी एजेंट को 17 लाख 20 लाख रुपए नहीं देना चाहते हैं एंड गाइस आप विदाउट एनी एजेंट सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करके कनाडा जाना चाहते हैं, तो गाइस आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल साबित होने वाला है। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कनाडा के टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के बारे में, जो कि गाइस कनाडा ने अभी 2023 में स्टार्ट किया है। और इस प्रोग्राम के अंदर गाइस जो फॉरेन वर्कर्स है वो कनाडा जा सकते हैं, वो भी सिर्फ गाइस कैनेडियन गवर्नमेंट को $155 की फीस पे करके, यानी गाइस सिर्फ 8,000 रुपये की फीस आपको कैनेडियन गवर्नमेंट को पे करनी है एंड गाइस आप इस वीज़ा के अंदर कनाडा मूव हो सकते हो एंड गाइस कनाडा जाकर आप 4 से 5 लाख रुपये महीना कमा सकते हो। सो है गाइस, मेरा नाम शहबाज अहमद, आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास गाइस इतना बजट नहीं है कि वो किसी एजेंट को 17 लाख 20 लाख रुपए दें एंड गाइस उनका ड्रीम है कि हम कनाडा जाएं, वहां जाकर कोई अच्छी जॉब करें और अच्छा पैसा अर्न करें। सो गाइस, आज का वीडियो शुरू से एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गाइस अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो गाइस मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग गाइस कनाडा मूव हो सकते हो। सो गाइस, कनाडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम होता है गाइस, ये होता है कि जो कनाडियन एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो कनाडा की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इस प्रोग्राम के अंदर कनाडा में लेबर को हायर कर सकती हैं, फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप एक प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, या गाइस आप एक वेल्डर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप एक वेटर हो, शेफ हो, कुक हो, क्लीनर हो, तो गाइस आप इस प्रोग्राम के अंदर कनाडा मूव हो सकते हो। तो सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन सी जॉब्स हमें इस प्रोग्राम के अंदर मिल सकती है और कितना हमारा टोटल खर्च आएगा अगर हम इस प्रोग्राम के अंदर कनाडा मूव हो सकते हैं एंड पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा इंडिया से या नेपाल से पाकिस्तान से कनाडा जाने तक का। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम के कनाडियन कंपनीज होती हैं, जो कनाडा के एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं कनाडा में। सो गाइस, इस वीज़ा की जो कॉस्ट होती है वो होती है सिर्फ $155। गाइस आप कनाडियन गवर्नमेंट को सिर्फ $155 पे करके कनाडा मूव हो सकते हो। इसके अलावा गाइस आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 3 to 7 weeks में कनाडा मूव हो सकते हो। गाइस प्रोग्राम के अंदर अगर आप लोग कनाडा मूव होना चाहते हैं, यानी टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंदर, तो गाइस इस प्रोग्राम के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स गाइस आपके पास में होने चाहिए। सो गाइस देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस प्रोग्राम का और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैंने आपको दिखा दिए। सो गाइस मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो अगर आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर मूव होना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के अंदर गाइस आपको एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए एंड गाइस जॉब ऑफर लेटर जब आपको मिल जाता है तो जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको LMIA भी सेंड करता है, जिसके आप फुल फॉर्म भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये होता है गाइस LMIA। तो ये दो डॉक्यूमेंट गाइस आपके पास में होने चाहिए, उसके बाद गाइस आप जो है अपने वीज़ा का एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड गाइस इसके अलावा जैसा आपका पासपोर्ट हो गया, आपके पास वाइट बैकग्राउंड के फोटोग्राफ्स होने चाहिए एंड गाइस आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए एंड गाइस इसके अलावा जो आपका PCC है वो आपके पास होने चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए, सम ऑफ कंडीशंस में देखिए आपके पास IELTS भी होना चाहिए, यानी गाइस आपने IELTS भी क्लियर किया होना चाहिए, तब आप गाइस इस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो गाइस ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारी कनाडियन कंपनीज है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करते हैं एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको जॉब्स फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको गाइस एक स्पॉन्सर फाइंड करना है कनाडा में, सबसे पहले गाइस आपको एक जॉब चाहिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा, इस वेबसाइट पर गाइस लगभग 30,000+ जॉब वैकेंसीज निकली हुई है एंड गाइस वो सभी जॉब वैकेंसीज जो है फॉरेन वर्कर्स के लिए हैं एंड वो सभी कंपनीज गाइस जो है फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रही है एंड गाइस वो कंपनीज आपको जॉब ऑफर लेटर भी सेंड करेगी एंड गाइस जो LMIA होता है वो भी आपको कंपनी सेंड करेगी। कुछ ही कंपनीज को जो है कनाडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है कि वो LMIA
देकर एंड जॉब ऑफर लेटर देकर फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सके कनाडा में। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया कि कनाडा में जॉब फाइंड करने के लिए सीवी कवर लेटर जरूर आपका बना होना चाहिए। एंड सीवी कवर लेटर गाइस आपका कैनेडियन स्टैंडर्ड का बना होना चाहिए, जिसमें गाइस आपकी सारी स्किल समरी एंड वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सारी डिटेल्स प्रॉपरली होनी चाहिए आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। तो गाइस, इस प्रोग्राम के अंदर जिसमें अभी आपको वीडियो में बताया कि इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मैसन, टाइल मैसन, इंजीनियर्स, डॉक्टर, नर्सेज, हर एक तरह के कैटेगरी के वर्कर्स गाइस मूव हो सकते हैं एंड इस तरह की जॉब्स आपको गाइस प्रोग्राम के अंदर गाइस कैनेडा मिल सकती है। तो सीवी कवर लेटर आपको गाइस बनवाना है किसी जॉब का तो मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं आप, काफ़ी कम चार्ज में गाइस आपका सीवी कवर लेटर बन जाएगा कैनेडा के लिए। सो गाइस, कैनेडा में जाकर आप लोग 4 से 5 लाख पर मंथ इजिली अर्न कर सकते हो एंड गाइस अकोमोडेशन भी आप लोग कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो गाइस, अभी मैं आपको वो वेबसाइट बताने वाला हूँ जिस वेबसाइट पर जाकर आपको जॉब्स फाइंड करनी है एंड जैसे मैंने आपको बताया कि 30,000+ जॉब वैकेंसीज गाइस वहाँ पर निकली हुई है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। गाइस, इस वेबसाइट का जो नाम है वो है jobbank.com। सो गाइस, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट पर सारी जॉब्स रियल अपलोड होती है एंड गाइस इस वेबसाइट पर जो कैनेडा के एम्प्लॉयर्स होते हैं वो जॉब अपलोड करते हैं। इस वेबसाइट के जरिए गाइस जो हमारे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग हैं उनको जॉब्स मिल गए हैं कैनेडा के अंदर। सो गाइस, जैसे कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम बात कर रहे हैं कैनेडा के टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के बारे में। तो गाइस देखिए, इस वेबसाइट पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फाइंड ए न्यू जॉब इन कैनेडा, सर्च जॉब्स फ्रॉम कैनेडियन एम्प्लॉयर्स हु वांट टू रिक्वायर टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, दिस एम्प्लॉयर्स हैव ऑलरेडी ऑप्टेड और अप्लाइड फॉर ए लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA। सो गाइस देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि गाइस यहाँ पर आपको वो जॉब्स मिल जाएंगी जिन जॉब्स में जो कैनेडा के एम्प्लॉयर्स हैं वो हायर कर रहे हैं फॉरेन वर्कर्स को। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है गाइस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दिया, आपको जस्ट वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप गाइस वहाँ पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च जॉब्स का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर विजिट हो जाएंगे एंड गाइस जितनी भी जॉब वैकेंसीज निकली हुई होंगी कनाडा की बड़ी बड़ी कंपनीज और फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रही हैं वो सभी जॉब्स गाइस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 9,000 से भी ज़्यादा जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है जो फॉरेन वर्कर्स के लिए। तो सबसे पहले जो गाइस जॉब है वो ऑटोमोबाइल मैकेनिक के लिए, उसके बाद में ECE असिस्टेंट, उसके बाद में ब्यूटिशियन, डिलीवरी ड्राइवर, मैकेनिस्ट, क्लीनिंग सुपरवाइजर, कैशियर, वेल्डर, कुक के लिए जॉब निकली हुई है, फार्म वर्कर के लिए, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, फूड काउंटर अटेंडेंट, कुक, क्लीनिंग सुपरवाइजर, डेयरी हार्ड पर्सन, जनरल फार्म वर्कर, वेयर हाउस वर्कर। तो गाइज ये इसी तरह की जॉब वैकेंसीज निकली हुई है और बहुत सारी गाइज जॉब वैकेंसीज निकली हुई है। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। तो गाइज देखिए, मैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करके बता रहा हूँ किस तरह से आपको जॉब्स के लिए एप्लीकेशन करना है। तो गाइज यहाँ पर एक जॉब निकली हुई है जनरल फार्म वर्कर के लिए, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज में आएंगे और आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। तो यहाँ पर जैसे गाइस आप लोग आ जाएंगे यहाँ पर आपको देखो इसकी जॉब के बारे में सारी डिटेल्स देखने के लिए जाएंगी। तो जॉब जो है गाइस ये वेरीफाइड जॉब है, कोई फेक जॉब नहीं है और जिस कंपनी में जॉब निकली हुई है उसका नाम भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, किस लोकेशन पर आपकी जॉब रहेगी वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और कितनी आपको सैलरी मिलेगी वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए लगभग $20 पर आवर आपको सैलरी मिलेगी, परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जॉब है और सिर्फ 2 वैकेंसीज ही निकली हुई है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से एक ऑप्शन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा जब आप इस वेबसाइट पर आकर जॉब्स के लिए एप्लीकेशन करेंगे। दिस एम्प्लॉयर हैज़ अप्लाइड फॉर अ लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट LMIA टू हायर फॉरेन वर्कर्स टू फिल लेबर शॉर्टेज ऑन ए टेम्प्रेरी बेसिस। यानी गाइस देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कनाडा में लेबर शॉर्टेज होती है, वर्कर्स की हमेशा डिमांड रहती है। तो इसी के चलते गाइस देखिए, ये जो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है कनाडा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एंड गाइस बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको कनाडा की गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि वो फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सके। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगा इस कंपनी के पास भी परमिशन है ये फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सके। बाय गाइस, और सारी डिटेल्स आपको इस जॉब के बारे में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो हाउ टू अप्लाई, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इनकी ईमेल आईडी देखने के लिए मिलेगी। इस ईमेल आईडी पर आपको जाना है, जाकर गाइस आपको अपना सीवी, कवर लेटर, वर्क एक्सपीरियंस, पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट सारे सेंड कर दें गाइस। सब्जेक्ट में आप जॉब एप्लीकेशन के लिए एक मेल लिखें और मेन बॉडी में आपको अपना कवर लेटर पेस्ट करना है एंड गाइस आपको जॉब के लिए ईमेल कर देना है। तो इसी तरह से गाइस जो और सभी जॉब वैकेंसीज निकली हुई है, सभी जॉब वैकेंसीज में गाइस आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं। लाइक अगर आपको अप्लाई करना है कंस्ट्रक्शन हेल्पर की जॉब पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, सारी डिटेल्स आपको जॉब के बारे में देखने के लिए मिलेंगी। डायरेक्टली आपको यहाँ पर जाना है,
आपको ईमेल आईडी देखने के लिए मिल जाएगी। ईमेल आईडी पर जाकर आपको गाइज अपना सीवी कवर लेटर सेंड कर देना है, ठीक है। एंड गाइज जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा कंपनी में, तो कंपनी आपको वाई ईमेल आपकी ईमेल आईडी पर ईमेल करके बताती है कि आपको हमने सिलेक्ट किया है नहीं किया है, या फिर आपको इंटरव्यू के लिए बोलती है कि हम आपको इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो इस तरह से गाइज आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब फाइंड करनी सिर्फ इसी वेबसाइट पर आकर, वो किसी वेबसाइट पर नहीं जाना है, सिर्फ इस वेबसाइट पर आना है और आकर जॉब्स के लिए एप्लीकेशन कर देना है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया ये है वो वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाकर गाइस आप जॉब्स फाइंड कीजिए। एंड देखिए जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकली हुई है जो गाइस LMIA अप्रूव्ड है। एंड गाइस ये कंपनीज आपको LMIA भी वहाँ से सेंड कर देगी, जॉब ऑफर भी। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके एक अपॉइंटमेंट बुक करके VFS ग्लोबल में अपने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो गाइस ये एक ऐसा प्रोग्राम है कनाडा का, टेम्प्रेरी फॉरेन प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर गाइस आप कनाडा काफी जल्दी मूव हो सकते हो। बाय गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आकर फॉलो कर सकते हैं। बाय गाइस, अगर आपको किसी एजेंट ने, एजेंसी ने कोई जॉब ऑफर लेटर दिया है या आपको कोई वीजा दिया है तो आप उसको वेरीफाई करवाना चाहते हैं रियल है फेक, तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। सो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस करने हैं तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं।